इस न्यूज के प्रायोजक है ताज नर्सरी एंड वॉल। ताज नर्सरी एंड वॉल लेकर आया है रेडीमेड कंपाउंड वॉल जो आपके खर्चे को करती है आधा रॉ मटेरियल और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल फल व शो प्लांट के साथ साथ फार्म हाउस व गार्डन डेवलप किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ताज नर्सरी गार्डन एंड रेडीमेड वॉल। हमारा पता है शुभारंभ लॉन के बाजू में कुंदिया रोड बालाघाट। वारासिवनी विधायक विक्की पटेल पर पूर्व खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल के द्वारा श्रेय लेने की राजनीति करने का आरोप लगाया गया, जिस पर श्री जायसवाल का कहना है कि वारासिवनी विधायक को उनके विधानसभा भ्रमण करने और विधानसभा क्षेत्र में निरीक्षण को लेकर परेशानी हो रही है। जो बीते दिनों वारासिवनी विधायक के द्वारा प्रदीप जायसवाल को टाइम कीपर कहकर संबोधित कर दिया गया था, वह उससे खुश है क्योंकि स्वयं वारासिवनी विधायक भी प्रदीप जायसवाल को मान रहे कि वह अपनी विधानसभा में घूम घूम कर अपना पूरा समय वारासिवनी क्षेत्र की जनता को दे रहे। जिस प्रकार से वारासिवनी विधायक लाए गए कार्य का श्रेय ले रहे हैं तो वह सबसे पहले शासन को लिखे पत्र को जनता के सामने दिखाए। क्या सही में उनके द्वारा जो काम लाए गए हैं उनके लिए उन्होंने पत्राचार किया था? उन्हें सबके सामने इसे सार्वजनिक करना चाहिए क्योंकि उन्होंने कोई पत्राचार नहीं किया है और उनके समय के लाए गए कार्य का विक्की पटेल श्रेय ले रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए, वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मैं 20 साल मैंने विधायक के तौर पर काम किया है और जितना मैंने वहाँ काम किया है वो उल्लेखनीय है कि वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक काम हुआ है। आज ऐसा कोई बड़ा पुल नहीं बचा है, कोई बड़ा काम नहीं बचा है, चाहे बड़े हॉस्पिटल की बात करूँ, इंडिया स्टोरी की बात करूँ, सौ बिस्तर हॉस्पिटल की बात करूँ मैं, चाहे सड़कों की बात करूँ, सड़कों में तो जाल बिछा दिया हमने नगर पालिका क्षेत्र में। पूरा 40 साल पहले जो सड़कें बनी थी पूरे सड़कें बना दिया, अब स्विमिंग पूल का काम भी चालू हो गया वारासिवनी में। तो ये उल्लेखनीय था, ये बगीचे के तौर पर मैंने इस वारासिवनी को सजाया मैंने। तो अब जो चूँकि मैं चुनाव हार भी गया, हारा मतलब जनता ने तो मुझे 46 वोट से जिताई है। अगर जनता के विधायक कहा जाए तो जनता के विधायक तो गुड्डा जायसवाल है आज भी, और मैंने जो चुनाव लड़ा अकेले वारासिवनी का नहीं था, पूरे जिले का टारगेट था, पूरे जिले का टारगेट गुड्डा जायसवाल था, पूरे जिले की ताकत लग गई, फिर भी मेरी जनता ने 46 वोट से चुनाव जिताई। लेकिन चूंकि OBC का मामला था और पोस्टल बैलेट में जो पेंशन वाले मामले को लेकर जो कर्मचारी नाराज थे उसके चक्कर में चुनाव 984 वोट से हार गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्षेत्र के प्रति मेरी जवाबदारी खत्म हो गई। जिस बगीचों का मैंने 20 साल अगर मैंने सजाया है तो उसकी देखरेख आज भी मेरी जवाबदारी है। मुझे इस विधायक पर भरोसा नहीं है, आज भी मैं देख रहा हूँ, पूरी देखरेख कर रहा हूँ, अपने बगीचे की देखरेख कर रहा हूँ। तो ये मेरा शौक है, तो इसमें अगर मुझे टाइम कीपर कहा गया है तो मैं तो उसको स्वागत करता हूँ कि हाँ, टाइम कीपर का काम होता है अपने क्षेत्र की देखरेख करना, तो अपने क्षेत्र की देखरेख कर रहा हूँ, उसमें क्या है। राव साल श्रेय लेने का, देखिए हमने अभी ITI वारासिवनी खैलानी में, तो ये 51 ब्लॉकों में आए जिसके लिए मैंने प्रयास किया था। मेरे पास सारे पत्र हैं, शिवराज सिंह चौहान जी को लिखा था मैंने। लेकिन हमने ये कहा कि भाई अगर आपने 100 बिस्तर 50 बिस्तर का हॉस्पिटल लाए कहते हैं, आपने ITI लाया, तो आपने मुख्यमंत्री को कब पत्र लिखा है? का पत्र तो बताया कि मुख्यमंत्री को आपने कब पत्र लिखा था, लेकिन हमारे विधायक जी के पास कोई पत्र रहता ही नहीं है। अने आयते में रहता देखते कि जो आ गया उसमें ठप्पा लगाओ। सबसे बड़ा झूठ इनका ये मैं कह सकता हूँ, इन्होंने कहा है कि SDM कार्यालय स्वीकृत हो गया खैलानी में। हमने कहा भैया SDM कार्यालय स्वीकृत अगर हो गया है तो उसका पत्र तो जारी करो स्वीकृति का। आज तक स्वीकृति का पत्र जारी नहीं हुआ। हमने कलेक्टर से जानकारी ली, कलेक्टर का कहना है कि SDM कार्यालय तो खुल ही नहीं सकता खैलानी में, ABCD नहीं मालूम।